हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9th का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो में उन्होंने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किया गया था, जिसमें हम लोगों ने 44 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में उसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखा जाए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, 48, 49। 45 है, 1 किलोग्राम 1 किलोवाट सामर्थ्य का एक मोटा जल को 10 मीटर ऊंचा उठाता है। 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। जी का मान दिया आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो दिया उसको लिखा जाए। पी बराबर आपका दिया है 1 किलो वाट, तो चेंज हो जाएगा 10 घात 3 वाट हो जाएगा। अब एक मोटर जल को 10 मीटर ऊंचा, जल को 10 मीटर ऊंचा उठाता है 1 घंटे में, यानी टी बराबर 1 घंटा है। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होगा, ठीक है। 1 घंटे में किए गए कार्य की किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन में दिया है। तो कार्य की गणना करना चूंकि आप जानते हैं, टी बराबर W/T या W/P×T या W/P 10^3 है, ठीक है। अगले टी आपका 3600 या 3600 सेकेंड। यहाँ पर 1 3 अंक आ जाएगा, तो W/P हो जाएगा 3.6×10^6 जूल। देखिए इस क्वेश्चन में आपका न एक्स की जरूरत पड़ा, न जी का जरूरत पड़ा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ा। तो इसमें ये दिया है कि इसका जरूरत नहीं पड़ा, आपका रिजल्ट आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अनुसार ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी इसका किया गया कार्य जो होगा 3.6×10^6 जूल होगा। 46 देखिए, 1 पंप की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, वह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना जल 25 मीटर ऊंचा उठा सकता है। जी का मान दिया है। तो पुनः आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये आपका 46 जो दिया उसको लिखा जाए सामर्थ्य। पी बराबर आपका दिया है 7.5 किलोवाट या 7.5×10^3 वाट हो जाएगा। वह प्रति मिनट टी बराबर 1 मिनट और इसको चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। अधिक से अधिक कितना जल यम पूछ रहा है, कितना उठाया सकता है। यच बराबर कितना आपका 25 मीटर और जी का मान दिया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये आपका टी दिया है, यम पूछ रहा है, यच दिया है, दिया है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि टी बराबर W/T और टी बराबर किया गया कार्य जो है ऊर्जा का होता है, ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होगा यम जी यच जाएगा भाई टी। तो इसका बोला इसमें तो PT बराबर MgH, M बराबर PT/G
एच इम्प्लाई डेट पी का मान 7.5 में 10^3 गुणे टी का मान 60/ जी का मान 10 गुणे एच का मान 25। ठीक है, यम बराबर आपका हो जाएगा, देखिए आप 25 3 75 हो जाएगा और 10 6 60 हो जाएगा 36 18 गुणे 10^3 या यम बराबर 1800 किलो। 1800 किलोग्राम जो है जल उठाया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 46 का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब आइए 46 के बाद 47। एक इंजन की सामर्थ 30 किलोवाट है, इसके द्वारा 150 किलोग्राम पिंड को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया उसको लिखा जाए कि क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए 47 आपका दिया है एक इंजन की सामर्थ, यानी टी बराबर आपका दिया है 30 किलो वाट, 30 किलो वाट में 30 × 10^3 वाट हो जाएगा। इसके द्वारा 150 किलोग्राम यम बराबर 150 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर ऊंचाई तक, एच बराबर 50 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा। टी पूछ रहा है, जी का मान आप 10 m/s² लेंगे तो यहाँ पर पुनः वही स्टार्ट करें, टी बराबर 3 W/T या W/P या W/MgH/T तो T बराबर M का मान आपका 150, जी का मान 10 गुणे एच का मान 50 बटे टी का मान 30 × 10^3 यानी 1000। ठीक है, ये आपका इससे 0 से 5 × 5 = 6 यानी T = 15/6 3 × 15 = 3 × 6 यानी T = 2 × 4 2 × 5 = 10 2.5 सेकेंड में लगेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन था। 48 देखिए, एक इंजन 500 किलोग्राम का एक पिंड 10 सेकंड में 20 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, ज्ञात कीजिए पहला इंजन द्वारा किया गया कार्य, दूसरा इंजन की शक्ति किलोवाट में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 में एक इंजन 500 किलोग्राम तो यम बराबर 500 किलोग्राम का एक पिंड 10 सेकंड में, यानी T = 10 सेकंड में 20 मीटर ऊंचाई तक, H = 20 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, ज्ञात कीजिए पहला किया गया कार्य, दूसरा कार्य इंजन की शक्ति, जबकि जी का मान आपका दिया 10 m/s² जी बराबर दिया 10 m/s² तो पहला देखिए, चूंकि P निकालना,
पी बराबर डब्ल्यू अपान टी, ठीक है। तो पी बराबर डब्ल्यू बराबर एम जी एच अपान टी, तो पी बराबर एम, एम का मान हो जाएगा 500 गुणे जी का मान 10 गुणे टी का मान 10 बटे सॉरी एच का मान 20 बटे ये आपका टी का मान 10 10 10 कट जाएगा। पी बराबर 5 × 10 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 × 10 इतना वाट हो जाएगा। ये आपका सामर्थ्य होगा इतना वाट, किलोवाट में बदलना है तो किलोवाट में 1000 भाग देना, पी बराबर 10000 भागा 1000, तो कितना जाएगा 10 किलोवाट, किलोवाट। एक आपका सेकंड वाला रेट हो गया, अब फर्स्ट वाला देखिए, क्योंकि पी बराबर डब्ल्यू अपान टी, तो डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी, तो डब्ल्यू बराबर पी, टी का मान यहाँ पर आया है 10^4, ठीक, 1 2 3 4, अगर टी का मान 10 या डब्ल्यू बराबर 10^5 0 हो जाएगा। ये आपका 48 का और सेकंड निकाला है, और उसके बाद सेकंड के बाद फर्स्ट निकाला गया है। 48 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। 49 देखिए, 3 किलोवाट शक्ति वाली एक मशीन द्वारा 15 मिनट में किए गए कार्य की गणना कीजिए। सेम आपका देख लीजिए, आप लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया, पी बराबर 3 किलोवाट, 3 × 10^3 वाट जाएगा, और टी बराबर आपका दिया है 15 मिनट यानी 15 × 60 सेकंड हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर वाट। तो यही चूँकि जानते हैं पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी, ठीक है। अब पी का मान रख दीजिए और यह मान रख गुणा कर लीजिए, आएगा वही आपका जीरो हो जाएगा, दो रिजल्ट आएगा वो आपका जीरो। ये आपका 48 तक के जो क्वेश्चन दिया गया, 48 49 के क्वेश्चन का सोल्यूशन है, जो आपको गुणा करना है कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।